सबसे बड़ी समस्या महंगाई है, बजट इसका जवाब दे कि महंगाई से कैसे इस शुरुआत में ही 500 रुपए गैस का भाव बढ़ा के ये बजट पेश कर रहे आए हैं। अरे बजट पेश नहीं हुआ, मैंने महंगाई आज 50 रुपए भारत सरकार ने गैस उड़ा दी है। आम आदमी के महिलाओं को हमने कहा मुख्यमंत्री आपने 1000 रुपए देने की घोषणा की है, तो आप 1000 रुपए की देंगे गैस में आप 2500 से 3000 रुपए महिलाओं के घर का बजट कम कर रहे हो, इसलिए आप इस बढ़े हुए बजट को वापस महंगाई को वापस ले घोषणा करें सदन में कि मध्य प्रदेश में गैस का सिलेंडर के भाव नहीं बढ़ाए जाएंगे। उन्होंने इस बात को ठुकरा दिया, इसलिए विपक्ष ने हम लोगों ने उनके अपनी मांग उनके विरोध में बहिर्गमन किया है। अब मैं दोबारा जाके सदन लेकिन कम से कम पूरा बजट सुन तो लेते हैं। बजट में क्या सुना, खोखला बजट है, जब 3.5 लाख करोड़ का कर्जा लाद दिया। आपको कैसे पता कि खोखला अभी तो आया ही नहीं? खोखला वर्ष नहीं देखा आपने, हर साल नकली बजट पेश करते हैं। पिछले वर्ष से 40% जो बजट बढ़ाया था उसमें रिलीज नहीं किया। बजट से कोई उम्मीद नहीं है विपक्ष को, कोई उम्मीद नहीं, बजट पूरा धोखा है। 8.5 करोड़ को गुमराह करने के लिए ये बजट पेश किया जा रहा है। घर में नहीं है दाना, अम्मा चली भुनाना, कैसे होगा, कैसे आप दोगे? नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह जो बाहर निकले थे उनका कहना है महंगाई की मार, अब की मार मोदी सरकार बजट आ गई। बजट सुनेंगे, लोकतांत्रिक व्यवस्था का पूरा ध्यान रखेंगे, पर सरकार जो यातना कर रही है, अत्याचार कर रही है, अहंकार में आकर लोगों को घर घर में मार दे रही है बजट के माध्यम से, उसका प्रतिकार करेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।